मतलब तुम खुशहाली से बच जाओ। हाँ बताइए। छोड़ मत तुझे। मजे की तू प्यारा बेटा, पढ़ाई कर रहा है? ले प्रसाद, मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी है, तीर्थ स्थान पर जाऊंगी, बस तू पास हो जा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? हाँ माँ। अभी तक सो रहे हैं? अरे उठिए मेरी गंजी सरकार। उठो ना, कब तक सोते रहोगे? तुम भी ना, क्या करे, छोड़ो मुझे, अभी अभी मंदिर से आ रही हूँ, छोड़ो, उठ जाओ अब। सुबह हो गई? अच्छा। अरे सॉरी डार्लिंग, अरे हमारे दर्शन कर लेती, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल आपके दर्शन भी कर लूंगी, उठोगे तब ना, चलो। हाँ, यू आर राइट। वो चिंटू उठा कि नहीं अभी? वो कब का उठकर खेलने भी चला गया और तुम सो रहे हो। उसकी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, रिजल्ट आया कि नहीं अभी? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और उसका रिजल्ट आने में अभी 2-3 दिन बाकी है। आप उठो, रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूं। जल्दी जल्दी फटाफट। आप रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता ही लगाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, पहले चाय बाद में नाश्ता। यार रोमांटिक सपना चल रहा था यार, मजा खराब कर दिया। लगता है सोसाइटी में नया आइटम आया है। हाँ भाई, चल बात करते हैं। हेलो मैडम जी, थोड़ा हमें एक्सरसाइज सिखा दो। क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। अरे हमें भी थोड़ा एक्सरसाइज सिखा दो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है लेकिन एक्सरसाइज कराने वाली कोई नहीं है। अभी सिखाऊं तुम्हें एक्सरसाइज? निकलो यहाँ से दोनों, अभी क्या, अभी निकलो। अपनी सोसाइटी में आज तक इतनी हॉट लड़की नहीं देखी। ऐसे ही बदतमीज लड़के रहते हैं यहाँ सोसाइटी में, बदतमीज नालायक इडियट स्टूपिड। क्या हो रहा है? तू कौन है बे? मैं कौन हूँ, मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सॉरी सॉरी, गलती हो गई भाई। क्या सॉरी?
चल निकल यहाँ से। अरे सॉरी भाई सॉरी, चलो चलते हैं। हाँ। चले आते हैं। हाय हाय, थैंक यू सो मच। वैसे इस सोसाइटी के लड़के ऐसे ही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा संभल के रहा कीजिए। yeah. अकेली लड़की को देखकर ये लोग। यू आर राइट। वैसे आप कहाँ रहती हैं? बस यही, इसी सोसाइटी में। अच्छा, इसी सोसाइटी एविंग में। या अच्छा, अभी नई नई आई हो आप? दो दिन अच्छा, पहले ही आई हूँ। वैसे आपका नाम? माय नेम इज कामिनी। ओह हाय अंकित, नाइस मीटिंग यू। रियली नाइस मीटिंग। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, चलता हूँ मैं। सर मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। ठीक है ठीक है, ये फाइल भी बना ली है। बस इस पे आपसे एक सलाह लेनी थी सर। वो एक लड़की आई है। कहाँ है? कौन लड़की? वो सेक्रेटरी के जॉब के लिए आई है, काफी देर से वेट कर रही है आपका। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम ऐसा करो जी, तुम राकेश के साथ मीटिंग करो। जी सर। मैं देखता हूँ उसे। ओके सर। जी सर। एक्सक्यूज मी, आप सर 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 मैं सेजल हूँ सर। सेजल? कौन सेजल? सर आपकी नई सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा, वो हमारी एजेंसी ने भेजा था। जी सर। इसका मतलब तुम जॉब के लिए आई हो? जी हाँ सर। वेरी गुड, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। या यू आर राइट सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कोई एक्सपीरियंस वगैरह है सर? है ना, आइए ना, आपको बताती हूँ। अरे यहाँ नहीं, कुछ अंदर के लिए भी छोड़ दो। कमॉन कमॉन कमॉन। ओके सर। हाँ तो सेजल, तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। जैसे कि हमारे कस्टमर्स बाहर से आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं। क्या कि उनको 5-स्टार होटल्स में ठहराना पड़ता है, उनके खाने पीने का, उनके रहने का इंतजाम, समझी ना? वो बहुत जिम्मेदारी का काम है और उसको तुमने बहुत ही ढंग से तरीके से करना है, और ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, समझी? और रही बात, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, मैं मेडिसिन वगैरह लेता हूँ। जैसे कभी सर में दर्द हो गया, छाती में दर्द हो गया, तो उसमें थोड़ा मेरा ख्याल रखना है? हाँ। बस मतलब कॉपरेट करना है? जी सर, ये कोई कहने की बात है? जी सर। हाँ तो अब कुछ कुछ कैसे करोगी तुम, कुछ बताओगी? सर जैसे आपके सर में दर्द है। हाँ। तो मैं सर दबा दूंगी। वेरी गुड। और कभी अगर आपके चेस्ट में पेन होगा तो मैं उसमें तेल लगा दूंगी। वाह क्या बात है, वेरी गुड। यस सर। और सर जब भी आपका मूड कभी ऑफ हो जाएगा तो मैं उसको फिर फ्रेश कर दूंगी। हेलो। हाँ अरे भाई मैंने डोनेशन भिजवा दिया था ना, आप ये बार बार मतलब क्यों क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी यार? साहब आपका बेटा चिंटू 2 सालों से फेल होता हुआ आ रहा है। मेरा बेटा चिंटू? और इस साल भी फेल हो गया है। क्या चिंटू फेल हो गया? वेरी सैड न्यूज।
मैं अभी अभी बात करता हूँ उससे, अभी समझाता हूँ उसको। हाँ हाँ जी जी ओके ओके सर। प्रॉब्लम? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा बेटा फेल हो गया। कोई बात नहीं सर, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। आप तुम नहीं समझोगी सर। रिलैक्स, ये सेजल है ना, तो फिर किस चीज की टेंशन है? और चिंटू कैसा है? बस यार बढ़िया हूँ, तू बता तू कैसा है? बस भाई बढ़िया, अब तू बता क्या हो रहा है? अरे यार बस वही पुराना, तू बता तेरा कुछ नया चल रहा है तो? अरे नहीं यार, चल किसी बीच पर चलते हैं। अरे नहीं यार, मेरा भी बहुत मन है बीच पर जाने का, लेकिन नहीं जा सकता, कल रिजल्ट आने वाला है और पुराना रिजल्ट वैसे ही खराब गया है, तुझे तो पता ही है, पापा बहुत मारेंगे अगर इस बार खराब हुआ तो। अरे छोड़ ना भाई, वो देख। अरे छोड़ ना यार ये सब लड़की वड़की। अरे देख तो सही, देख तो, तुझे ही देख रही है। अरे देखने देना यार, मेरा मन नहीं है भाई। देख तो फिर भी यार। अरे देख तो। नहीं यार मैं नहीं देख रहा। मस्त लड़की है। चल यार निकलता हूँ। देख तो सही यार, कल मिलते हैं यार, जरूरी काम है मुझे, चलता हूँ। लगता है ये हाथ में नहीं आएगा, इसके बाप को फंसाना पड़ेगा। हाँ भाई पार्टी में जरूर आना। हाँ ठीक है, बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस। हाय आई एम क्रिस्टीना। चिंटू। ओह वेरी स्वीट नेम किड। आई एम नॉट अ किड। ओह तो फिर हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो? ओह हेलो। अच्छा हाथ मिलाने का यही अंदाज है? वो पहली बार मिलाया ना इस। अच्छा लगता है सब कुछ धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। ओके बॉय। एक्सक्यूज मी। चिंटू तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप को भी फंसाऊंगी। नहीं फंसाया तो मेरा नाम भी क्रिस्टीना नहीं। बच्चों तुम कहाँ बच के जाओगे? पियो ना डार्लिंग। नहीं नहीं और कितना पिलाओगी? थोड़ा तो पी लो ना, थोड़ा सा। ओके चलो तुम्हारे नाम से पी लेता हूँ। अब मजा आएगा। वो जरा फोन देना मेरा। ये लो। क्या हुआ? हेलो अंकित, कहाँ हो अभी? सर अभी घर पे ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा वो चिंटू फेल हो गया फिर से। तुम्हें तो पता है मार्केट में मेरी रेपुटेशन है यार, उसको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। हाँ हाँ सर। कोई टीचर है तुम्हारी नजर में? मैं चाहता हूँ उसे ट्यूशन क्लास लगा दूँ। टीचर? हाँ है एक टीचर, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं तो हो जाएगा सर, बेफिक्र रहिए। ठीक है ऐसा करना, तुम उस टीचर को लेकर घर पे आ जाना। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ आपके पास जल्दी। ठीक है, ठीक है सर, करना मगर। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं आपकी टेंशन कम कर दूँ क्या? कहो तो मैं चिंटू को पढ़ा देती हूँ। क्या? मैं भी पढ़ा सकती हूँ उसको। तुम्हें रखूँ?
हाँ। उसे पढ़ाने के लिए? हाँ। अरे नाबा बना, तुम यही रहो, तुम यही ठीक हो मेरे पास। Just joking, यार। हेलो हेलो हेलो, हाय राजेश। हाँ अंकित बोल। राजेश यार तेरे से एक काम था यार। क्या बोलना? यार एक्चुअली मेरे बॉस को एक लड़की चाहिए थी, उसके बेटे के लिए एक टीचर चाहिए थी। हाँ? यार तेरी जान पहचान में कोई हो तो बताना यार। हाँ ठीक है, बताता हूँ। वैसे तेरी एक सिस्टर थी ना? हाँ, लेकिन वो तो लंदन चली गई। यार वो उनको एक टीचर चाहिए थी, अगर वो पढ़ा सके तो मुझे बताना यार। हाँ ठीक है, देखता हूँ, कुछ जरूरत है यार। ओके, तू टेंशन मत ले, चल। हाँ तू बता, ठीक है, मैं वेट करता हूँ। हाँ चल, बाय बाय। मैंने भी कितने पूजा पाठ किए थे। खाना खाइए आप। चिंटू, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया बेटा, तुम फेल क्यों हुए जानते हो? मैं जब इस शहर में आया था तो मेरी जेब में 5 रुपए थे। मैंने रात दिन मेहनत करके, खून पसीना बहाकर ये शोहरत और दौलत सब कुछ बनाया। सब कुछ किसके लिए? ये सब तुम्हारे लिए। तुम मेरे उकलाते वारिस हो, मेरी दौलत के, जानते हो ना तुम? उसके बावजूद भी तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, ये क्या है मेरे लिए? कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए डूब मरने की बात है ये कि मेरा बेटा एग्जाम में फेल हो जाए। ओ शिट, इसको तुमने सर पर चढ़ा रखा है, ये सब तुम्हारी लापरवाही है। समझाओ इसे। कितना समझाओ, समझा समझा के थक चुकी हूँ। हे माता रानी, इसको पास करवा दो, मैं तेरा जगराता कराऊंगी, पूजा कराऊंगी। पापा मैं क्या करूँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। नहीं लगता क्यों? Why? मन नहीं लगता, मैंने इसके लिए इंतजाम कर दिया है। एक टीचर आएगी इसको पढ़ाने के लिए, इसको ट्यूशन पढ़ाएगी और तुम ध्यान से पढ़ोगे, और ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। अगर ये कुछ गड़बड़ करता है तो मैं खुदकुशी के बारे में सोचूंगा। सुन रहे हो पापा की बात? जुबान कम चलाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। कौन लेकर आ रहा है टीचर को? आ रही है एक लड़की, कल शाम तक आ जाएगी। ओके चलो खाना खाओ। अब मूड खराब कर दिया। अरे सुनो, देखा, आपको भी तो अभी डांटना था ना, खाने के टाइम, बाद में बात कर लेते। ये सब तुम्हारी वजह से है। अब तुम अकेली बैठकर नाश्ता करो, अकेली बैठ के, मेरा मूड नहीं है। सुनिए ना, सुनो। अरे हा? क्या बात कर रहे तू? हाँ सच बोल रहा हूँ भाई। हाँ भाई वो देखो चिंटू आ गया। अरे चिंटू कहाँ जा रहा है? सुन 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 सुन, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं यार, छोड़ ना यार, मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब है। अरे हुआ क्या भाई, बता तो सही। अरे पापा ने डांट दिया फिर से, फेल हो गया मैं दोबारा। अरे ऐसे भी कोई डांटता है क्या? अरे भाई मेरे सुन तो सही। अरे छोड़ यार, मूड खराब हो गया मेरा। अरे छोड़ सब यार, चल। नहीं यार मुझे कहीं नहीं जाना। अरे आ ना, तुझे असली जन्नत दिखाता हूँ, असली जन्नत क्या है, चल आजा आजा। जवानी मेरी अभी है गरम, जवानी मेरी।
कोई बात नहीं जाएगा। सबको लाइन में खड़ा करो। सब खड़े रहो यहाँ पे। एक्सक्यूज मी मैडम, एक फोन कर लो प्लीज। थैंक यू। तेरे बाप को फोन लगा रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, हम सब के बारे में मत बताना प्लीज। सजल देखना किसका फोन है। पता नहीं, आप ही देखो। ओके हेलो हेलो मिस्टर मल्होत्रा। हाँ संदो, बोलो। हाँ, अरे हमारे बार में रेड पड़ गई है। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? नहीं, आपका बेटा भी यहाँ आया हुआ है। मेरा बेटा? उसको पुलिस ने पकड़ लिया। क्या बोल रही हो, क्या बक रही हो? हाँ, इंस्पेक्टर जी भी खड़ी हैं। कहो तो बात करा दूं। बात करेंगी इंस्पेक्टर साहब? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो बात नहीं करना चाहती है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। अपने बेटे का ख्याल है कि नहीं? हाँ, और वैसे भी शन्नो आपकी जान है। डार्लिंग सुनो, गाड़ी से मत आना। नाकाबंदी बहुत चल रही है, दारू पीकर पकड़े गए तो यहाँ पहुँच नहीं पाओगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं। जल्दी आना। आता हूँ अभी। हाँ हाँ, क्या मुसीबत है ये भी। चलो मैं जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ सर। अरे तुम क्या करोगे आके? और प्लीज मुझे भी ले चलो ना। अरे तुम वहाँ आकर क्या करोगी, तुम यहीं रहो, मैं भी आता हूँ। आता हूँ मैं, जाकर देखता हूँ क्या है। इंस्पेक्टर साहिबा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, मल्होत्रा जी आते ही होंगे। और हाँ, ठंडा या गरम चलेगा? नहीं, आप सबको चलना पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर आया है। अरे क्या इंस्पेक्टर साहिबा, थोड़ा सा इंतजार करिए। अरे मल्होत्रा साहब। हाँ, कौन? नमस्कार साहब। कैसा है, ठीक है? हाँ। वैसे तो करण मल्होत्रा किसी परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी आपसे जरा दो मिनट बात कर सकता हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज। हाँ बोलो मल्होत्रा। जी हाँ, एक प्रॉब्लम है। बोलो, कैसे फोन किया? ओ हाँ, खास काम था क्या? ओ हाँ, नहीं नहीं, वो एक छोटी सी तकलीफ देना चाहता। अरे कैसी तकलीफ मल्होत्रा? हाँ वो क्या, बच्चा है ना, गलती हो जाती है कभी कभी उससे। हाँ बेटा इधर आओ, एक काम करो कि सिन्हा साहब से बात कर लो मल्होत्रा, और मेरा नाम। अच्छा ठीक, जो भी प्रॉब्लम हो उन्हें समझा देना। जी हाँ जी हाँ, ठीक है ना। जी 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 ठीक है जी, अभी कर लेता हूँ। थैंक यू। हाँ जनाबे आला। हाँ कौन? हाँ मैं करण मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ मल्होत्रा बोलो। हाँ बस ऐसे कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। वो बच्चा है ना अपना, वो हाँ आपका ही बच्चा। हाँ वो अपना चिंटू। हाँ वैसे ही मस्ती वस्ती करने आ गया था इधर। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थोड़ी पुलिस की रेड पड़ गई। अब बच्चा ही है ना, आपको तो पता ही है सब, क्या गलती हो ही जाती है। तो कौन है वहाँ? ओ हाँ जी देता हूँ। क्या नाम है? सुमन यादव। हाँ सुमन यादव नाम है इसका। हाँ दो दो फोन दो। ये रहिए। कौन है? अरे मुलाहिजा फरमाइए। हेलो हेलो सुनो। लेकिन सर उसने, उन लोगों को वहाँ से जाने दो, उसने कानून तोड़ा है सर। मैंने कहा ना उन्हें वहाँ से जाने दो। बट सर, छोड़ दो उन्हें। ओके शुक्रिया। नालायक, चलो। शन्नो नाम है मेरा,
शतरंज की हर चाल से वाकिफ हूँ। अगर घोड़ा मारना हो तो वजीर को जिंदा कैसे रखेंगे, और अगर वजीर मारना हो तो राजा का मरना जरूरी होता है। Hi, I'm Christina. Hi, I'm Kamini. By profession model lagti ho? No, I'm teacher. Oh. And you? Me? Yeah. Huh? By profession, I'm a call girl. Is building mein aise bhi log rehte hain? Oh my God. हाय। हाय। क्या हाल चाल है? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया, और इधर कैसे? बस जॉब ढूंढने के लिए गई थी। ओहो, जॉब के लिए? बहुत कोशिश जारी है कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, लेट्स सी, स्ट्रगल चालू है। वैसे एक जॉब है, अगर आप करो तो। ओके। मेरे बॉस हैं, उनका लड़का है। या। उसके लिए एक टीचर की जरूरत है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। या, व्हाई नॉट, करो ना प्लीज मेरे लिए बात। मैं कब से ढूंढ रही हूँ कि अच्छी जॉब मिल जाए, प्लीज मेरे लिए बात करो। तो मैं आपकी बात करवा दूँ? श्योर, ठीक है ना? इनफैक्ट मुझे कल ही मिलवा दो। ठीक है, मैं एड्रेस दे देता हूँ। दैट विल बी नाइस, थैंक यू सो मच। ड्रॉप कर दूँ? थैंक यू। बॉस का नाम मिस्टर मल्होत्रा। ओके, बड़े अच्छे इंसान है। मिस्टर मल्होत्रा यही पास में रहते हैं? यही रहते हैं। ओके, बस रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। आइए चल। Yes. My name is Christina. I want to go to shopping mall. Can you drop me? आप कहाँ रहते हैं? मैं आपके सामने वाले मकान में रहती हूँ। Oh, yeah. Please come. Oh, please thank come. You. Come. By the way, आप क्या करती हैं? वैसे मैं प्यार बेचती हूँ और प्यार खरीदती हूँ। लवली, अंदाज अच्छा था आपका। वैसे खूबसूरती के तो हम शुरू से ही दीवाने हैं। और मौसम भी अच्छा है। मेरा ख्याल है कि ऑफिस का प्रोग्राम कैंसिल करके कहीं और चलने का प्रोग्राम बनाए। हाँ, मैं भी सोच ही रही हूँ कि really? आज मैं शॉपिंग को कैंसिल ही कर दूँ। नहीं हूँ, आपकी पड़ोसी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तो आज अगर हम अपना अपना प्रोग्राम ऑफ कर दे तो और भी अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। Why not? मालूम ही नहीं था कि हमारी इतनी जल्दी दोस्ती हो जाएगी। और चलो आज इसी बहाने हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी और इतनी जल्दी करीब भी आ जाएंगे। क्या करते हैं दो प्रेमी? जैसे आपने कहा कि प्रेम बेचती हूँ, क्या वो खरीदती हूँ?
एक्चुअली मुझे अपने फ्रेंड से अच्छे गिफ्ट लेना पसंद है। तुम इसके काबिल हो या नहीं थोड़ा परखना पड़ेगा। तो आजमा के देख लो। अच्छा ठीक है, गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाथों हाथ आजमा लेते, आज क्या अभी आजमा लेते। चलो ड्राइवर अपना गेस्ट हाउस की तरफ ले लेना अपना। प्लीज प्लीज कम कम ऑन कम, आइए आइए, कम ऑन कम ऑन, संभाल के। निकालो इसे, फेंक देती मल्होत्रा का घर यही है? हाँ जी यही है। Actually, I'm your teacher. Oh, come, come, please come. Okay. Please come. Thank you. अरे इतना दूर क्यों बैठे हो? यहाँ आओ ना मेरे पास। Come here, come. थोड़ा और पास आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? तुम्हारा नाम? चिंटू। चिंटू, नाइस नेम। तुम्हें तो पता ही होगा ना मैं टीचर हूँ तुम्हारी। चिंटू। हेलो। आप कौन? मिस्टर मल्होत्रा ने बताया। अच्छा, होगा आपको? हाँ हाँ हाँ, बताया था मुझे कि तुम आने वाली हो इसे पढ़ाने के लिए। राइट। कितनी बार फेल हो चुका है, अब आप ही जरा देखो। श्योर श्योर, शायद कुछ कर सको। तुम क्यों खड़े हो, बैठ जाओ ना। अब आप इसकी चिंता मत करिए, नाउ ही इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अच्छा मिस्टर मल्होत्रा कहाँ हैं? वो तो किसी काम से गए हैं। ओके, यानी आइडिया कब तक आएंगे? एक बार उनसे भी मिल लेती तो इट विल बी बेटर। अब तो तुम आती ही रहोगी, तो मिल लेना कभी भी। अच्छा ठीक है, तुम लोग आज से ही पढ़ाई शुरू कर सकते हो। श्योर। ठीक है चिंटू, वहाँ बैठ कर पढ़ लो। ओके थैंक यू, मैं आती हूँ।
डर लग रहा है क्या तुम्हें मुझसे? यहाँ पर आओ ना जब बोला मैंने। अब बताओ तुम्हारा बेडरूम कहाँ पर है? बेडरूम? यस बेडरूम। पढ़ाई करनी है ना? नहीं, हम वहाँ टेबल पर पढ़ाई करेंगे। वहाँ पर क्यों? बेडरूम में क्यों नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो। चिंटू, तुम सबसे ज्यादा किसमें वीक हो? बायोलॉजी में? नहीं 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 नहीं, वो मेरी थोड़ी केमिस्ट्री खराब है। केमिस्ट्री? वो तो हम सुधार ही देंगे। हाँ? वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस देखती जाओ। चलो अब पढ़ाई पर ध्यान दो। दिखाना बुक, क्या पढ़ रहे हो तुम? पेन है तुम्हारे पास? हाँ है, हाँ है। ये किस लड़की का नाम लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये नाम नहीं है। तो? ये तो कुछ ऐसे ही है। कुछ ऐसे है मतलब क्या है? मतलब इतने भी तुम शरीफ नहीं लगते हो। अच्छे जोक सुनाती हैं। जरा एक दो जोक सुनाइए ना। आप जब भी आती हो मुझे अच्छे अच्छे जोक सुनाती हो। सारे जोक सुन चुकी हो तुम मेरे। ऐसा करो तुम मुझे अपना जोक सुनाओ। अरे मुझको जोक कहाँ आते हैं। आप ही कोई अच्छा जोक सुनाओ ना। चल सुनाती हूँ। देख, एक आदमी ने ऑनलाइन ऑर्डर किया कोई ऐसी चीज जो किसी भी चीज को बड़ा कर दे, और पेमेंट के साथ टैक्स भी दिया। उसका ऑर्डर आ गया, पता है भेजा क्या? क्या? एक मैग्नीफाइंग ग्लास। हा? और उसमें एक नोट भी लिखा था, सूरज की रोशनी से दूर ही रहना। क्या मैडम, कैसा जोक सुना है, बड़ा मजा आया। मेरे जोक से तो तुझे हमेशा ही मजा आता है। हाँ, और इसीलिए तो मैंने बोला कि आप मुझे अच्छे जोक सुनाती हो। और बता, शादी वादी की कि नहीं? नहीं अभी कहाँ। क्यों, क्या हुआ? कोई बकरा ही नहीं हाथ लगता ना। क्या बात कर रही है, तेरे क्लब में तो इतने लोग आते हैं, किसी को पटा ले और शादी वादी कर ले, सेट हो जा। वो मजा नहीं है, शादी करके सेट होना है। क्या ऐसे ही मजे लेती है रोज? नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर एक बकरा हाथ लगा तो है। क्यों, क्या किया? अरे उसकी बीवी उसे रोज पकाती है, रोज फोन करके परेशान करती है। तो तू उसे सुख दे दे अगर वो परेशान करती है तो। तो किस लिए है? वो साला बीवी नहीं बनाता ना। हाँ, बीवी तो नहीं बनाएगा, उसकी शादी जो हो चुकी है। वही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे आप जानते हो ना, नौकरानी बनने में वो सुख कहाँ। या तो बीवी बनो या फिर रखेल बन के रहो। वो बात तो है। तेरे यहाँ तो कई आते हैं, कोई ना कोई तो पट ही जाएगा। क्यों? कोई भी पटे, अपने को क्या है, अपने को तो रोज एंजॉय करना है। थोड़ा स्टाइल वाइल मारा कर, कोई पट जाएगा अच्छा सा। आप हो ना स्टाइल के लिए। हाँ ठीक है, शाम को तो बोलते रहिए, आके देखती हूँ तेरे संजय को। हाँ जरा मॉडल बन के आना। अरे मैं तो हूँ ही मॉडल, बनने की क्या जरूरत। अरे नहीं नहीं, फिर भी थोड़ा स्टाइल से, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तू भी जोक अच्छे मारती है।
जाने तू बस हो गया। जी? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ओह याद आया, तुम जो वो टीचर आंटी, उसका जो लवेरिया है ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है मैं बता देती हूँ। वो है ना, वो क्या वो नाम था, चिंटू। चिंटू को जानते हो? वो तो मेरे बॉस का बेटा है। अच्छा बॉस का बेटा है। वो जो तुम्हारा बॉस है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और तुम्हारी वो जो है ना टीचर आंटी, उसको बोलना उसके बेटे चिंटू तक ही रहे, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे। ठीक है? क्या? What do you mean? ओ, लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं बताती हूँ। चिंटू वो तुम्हारा जो बॉस है ना, उसका बेटा, उसका टीचर से अफेयर है, समझे? मैंने अपनी आँखों से देखा है। लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये बात तुम अपने लवर को समझा देना। वैसे भी लोग मुझे जंगली बिल्ली के नाम से जानते हैं, और मेरा नाम है क्रिस्टीना। किसने आंगन में खड़े होकर ये जुल्फें खोली हैं? रोज रोशन है मगर शाम हुए जाती है। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। हम तो तुम्हें हमेशा ही प्यार करते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि आजकल तुम बाहर बहुत ताक झाक कर रहे हो। नहीं, क्या बात कर रहे हो, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आओ, बहुत दिन हो गए दो प्यार की बातें करते हैं। बला की खूबसूरत लग रही हो आप तो। बहुत शायराना हो रहे हो। हाय, ये तेरी झील से आंखें, शायद मैं खाना खुद आज छोड़ गया। इतना शायराना मत बनो। Thank you.
सुनिए। हाँ मैं 3 दिन के लिए वैष्णो देवी जा रही हूँ। वैष्णो देवी जा रही? वो क्या है ना, मैंने माता से मन्नत मांगी थी कि चिंटू अच्छे से पढ़ ले और पास हो जाए तो मैं दर्शन के लिए आऊंगी। ठीक है, लेकिन मुझे भी एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है। हाँ चिंटू का ख्याल कौन रखेगा? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करूँ, कामिनी को फोन कर दूँ, वो 3 दिन के लिए ही आ जाएगी, काम भी हो जाएगा और चिंटू की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है ना। ओके ओके चलो मैं उसे फोन कर देती हूँ। ओके हेलो। हेलो हाँ कामिनी जी कहिए। मैं मिसेस मल्होत्रा बात कर रही हूँ। जी 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 बोलिए। क्या है ना, मैं 3 दिन के लिए वैष्णो देवी जा रही हूँ। जय माता दी जय माता दी। और मिस्टर मल्होत्रा भी बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन बाहर जा रहे हैं। ओके तो क्या तुम कुछ दिन हमारे घर में रह सकती हो? तुम्हारे सामने वो पढ़ाई भी अच्छे से करेगा। ऑलराइट ओके थैंक यू सो मच। मैंने बात कर ली है, वो आ जाएगी। ओके ओके तो मैं तैयारी करती हूँ। ओके बाय। चलो ये भी 3 दिन के लिए गई है, ऐश कर लेते हैं। अरे आप आप यहाँ कैसे? बाहर क्या बारिश हो रही है? आप तो पूरी भीग चुकी हैं। हाँ सीरियसली बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बाहर। कहाँ खो गए? आप इतनी रात को यहाँ कैसे? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी माँ 3 दिन के लिए वैष्णो देवी गई है? हाँ हाँ माँ ने बताया वो वैष्णो देवी जा रही है 3 दिनों के लिए। तो मैं 3 दिन यहाँ रहूंगी। अच्छा अच्छा मिस्टर मल्होत्रा हैं? नहीं डैड भी यहाँ नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हैं। आज रात वो भी यहाँ नहीं आने वाले। ओ तो आज रात शायद मैं और तुम अकेले रहेंगे आई गेस। हाँ अकेले। तो फिर चलें तुम्हारे बेडरूम में। बेडरूम क्यों? बाबा पूरी गीली हो गई हूँ। आई हैव टू चेंज। या यहाँ से सीधे आइए आइए मैं ले चलता हूँ। इधर आओ।
क्या देख रहे हो तुम? कुछ नहीं। Come on. क्या देख रहे थे? कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या देख रहे थे छुप छुप के?
तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकते। तुम से चाहता हूँ यार मैं तुझे। तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी मेरे साथ। मुझे मेरे प्यार का हिसाब चाहिए और अभी क्या भी चाहिए। मैं आ रहा हूं तुमसे अपने प्यार का हिसाब मांगने के लिए। आ रहा हूं मैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक ये चैप्टर पढ़ो, ओके? जी, मैं आती हूँ। अंकित, तुम इस वक्त? हाँ कामिनी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? क्या जरूरी बात? कामिनी, मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या? I love you. Are you serious? देखो अंकित, तुम इस वक्त नशे में हो। नहीं, मैं कोई नशे वशे में नहीं। अंकित, तुम नशे में हो, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। अंकित, listen to me. अभी तुम जाओ
मैं तुम्हें सारी बातें समझाती हूँ, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है? अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें समझती हूँ। हम कल मिलते हैं, यू आर गेटिंग मी? आई प्रॉमिस हम कल बात करेंगे, पक्का? पक्का, ठीक है? अब तुम जाओ, आराम से जाना, ध्यान से। Excellent. A is equal to B plus minus C is equal to... Good. Very good. कोई नहीं है, चुप। अरे चिल्ला मत, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। अरे सुन, चुप। चुप। अरे चुप। पापा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I will take the revenge. I will definitely take the revenge. I'm not going to leave you. Mr. Malhotra, you have to pay for that. I will destroy you. Thank you.
कल रात की बात के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपने पापा की गलती के लिए तुमसे सॉरी कहता हूँ। पता नहीं पापा ने ऐसा क्योंकि आज तक तो उन्होंने ऐसा किया नहीं कभी। तुम्हें पता भी है अपने पापा के बारे में कुछ? वो किस टाइप के इंसान है? ये क्या कह रही हो? जानवर है वो, जानवर, एक नंबर के हैवान इंसान है। मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। क्या सच्चाई बताना चाहती हो? मैं कोई टीचर विचर नहीं हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, यही सच्चाई है। ये बात तब की है जब मैं 10 साल की थी और अपने स्कूल से वापस आ रही थी, और मैंने देखा कि तुम्हारे पापा मेरी मम्मी के साथ मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। सच्ची? डार्लिंग, खुशखबरी सुनाऊं? हाँ, सुनाओ सुनाओ। वैसे मेरे पास भी खुशखबरी है। तो ठीक है, पहले तुम खुशखबरी सुनाओ। नहीं नहीं, पहले तुम सुनाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डार्लिंग बताओ ना, तुम्हारी खुशखबरी क्या है? मेरी खुशखबरी? हाँ, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा मेरी जान। अरे आप यही खुशखबरी सुनाओगे क्या आप? हाँ, इससे अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी खुशखबरी सुनाने के लिए। Oh, shit.
मुझे किसी ने देख लिया है। अब कानून से बचने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, मुझे अपना ये हुलिया बदलना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं अपने पापा की सच्चाई जानकर। मुझे नहीं पता था मेरे पापा ऐसे हैं। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम बोलो, बोलो मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी। अपने बाप को मार सकते हो? अगर नहीं तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं रात भर सोया नहीं। मैं रात भर सोचता रहा कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ। मेरे पिताजी ने तुम्हारी मां के साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, अपने बाप का खून भी। और मुझे अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए ऐसा करना है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। आपको कैसे पता चला कि इनकी डेथ हो गई है? आप कहाँ थे? मैं उस वक्त कहीं बाहर गया हुआ था। मैं आ ही रहा था कि आवाज सुनाई दी और मैं दौड़ के अंदर आया, तब तक देखा कि मेरे पापा की लाश। पापा, हवलदार। यस मैडम। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। चलो। हेलो। Thank you.
आप सभी को फोन करके इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा के मोबाइल में सबसे ऊपर आपके नंबर थे। प्लीज आप बताइए कि लास्ट टाइम उनसे क्या बात हुई थी और आप उनके बारे में क्या जानती है। मैडम, मिस्टर मल्होत्रा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अक्सर उनके घर मेरा आना जाना रहता था और मेरा कोई मतलब नहीं है। ही इज द वेरी नाइस पर्सन मैम। मैडम, वो मेरे पड़ोसी थे पहले, मैं उनके पड़ोस में रहती थी। ही वॉज वेरी जेंटलमैन पर्सन, कभी कभी मेरी हेल्प किया करते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैम, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, अक्सर मेरा उनके घर में आना जाना था। मैं उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाती थी। आई एम प्राइवेट टीचर, प्लीज मुझे इस सब में इन्वॉल्व ना करें। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल। मैडम, मैं तो उनके पास काम करता हूँ मैं तो उनके पास। मुझे नहीं पता मैडम कि ये सब कैसे हो गया। आप सब लोग अभी जा सकते हैं, बट जब भी मैं आप लोगों को कॉल करूंगी आप लोगों को आना पड़ेगा। याद रहे, अभी तहकीकात पूरी नहीं हुई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। अंडरस्टैंड? ओके, यू कैन गो नाउ। मिसेस मल्होत्रा, आप इधर आइए। आप उनकी पत्नी हैं? जी। अब तुम सच सच बताओ कि क्या हुआ था। मुझे कुछ पता नहीं मैम, मैं तो जागरण में गई थी, वहां मुझकी इसकी खबर मिली। मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे देखिए, घर में आने के बाद ही मुझे सब कुछ पता चला। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो, सच सच नहीं बता रही हो। मैंने बताया ना आपको, मैं पड़ोस के घर में जगराते के लिए गई थी, मुझे मेरे बेटे ने फोन करके बताया। अच्छा, आप सबको मैं एक अहम जानकारी देना चाहती हूँ। बंगले के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें आप सबकी फुटेज मिली है। आई हैव एग्जामिन्ड।
सच्चाई आप लोग यहीं बताओगे या फिर जेल में जाकर हवा खानी है? हाँ ये सच है कि मैंने उन्हें फोन पर धमकी दी थी। लाओ लाओ मोबाइल दो। ये लो मैडम। मजा आ रहा है। क्यों घबरा गए क्या? अरे डार्लिंग मैं तुम्हारी वही पुरानी बीवी हूँ। कहाँ पर हो तुम? मैं जहाँ भी हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जितनी भी जायदाद है, प्रॉपर्टी, शेयर्स, सब कुछ तो अपने नाम करा चुकी हूँ। अब तुम्हारे पास है ही क्या? सिर्फ रोने के? ये तुमने क्या किया मेरे साथ काजल? तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। प्यार के वादे किए थे, मोहब्बत के वादे किए थे, भूल गई सब। रात दिन साथ रहने के वादे किए थे, सब भूल गई तुम। याद है ना तुम्हें वो रीना, मेरी वो सगी बहन थी, उसको तुमने किस तरह से मारा था? वो मुझे अभी तक याद है, उसे मैं नहीं भूल सकता। उससे भी बुरी मौत दूंगी मैं तुम्हें। बहुत सती सावित्री बीवी थी अब तक मैं। अब देखना ये कमीना रूप, फिर दिखाती हूँ तुम्हें अच्छे से। अच्छा अब मैं समझा तुम्हारा असली रूप क्या है। तुम क्या चाहती थी, तुम्हारी चाहत क्या थी? अपने प्यार के जाल में तुमने मुझे फंसाया है और मैं समझ नहीं पाया। मैं बहुत बेवकूफ था। ये तुमने अच्छा नहीं किया काजल। काजल ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो पछताओगी तुम, देखो बहुत पछताओगी तुम काजल, बहुत पछताओगी। क्योंकि मुझे उनके शेयर अपने नाम करवाने थे और मैं चाहती थी कि सारे पेपर पर साइन करा के मैं ले जाऊं। लेकिन जब मैं घर आई तो पहले ही उनकी लाश पड़ी हुई थी। उनकी लाश को देखकर मैं तो वैसे ही घबरा गई और मैं वापस चली गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किसने उनका खून किया। इंस्पेक्टर साहब मैं कामिनी से बहुत प्यार करता हूँ। कामिनी ने मुझे बताया कि मिस्टर मल्होत्रा ने उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। जब मैं उनके घर पहुंचा उन्हें मारने के लिए तो मैं उनकी लाश देखकर बहुत घबरा गया और मैं वापस चला आया। मैडम वैसे तो मैं आई एम अ कॉल गर्ल। वैसे तो मिस्टर मल्होत्रा जी के जैसे मेरे पास कई सारे कस्टमर हैं। एक दिन मुझे पैसा चाहिए। हेलो कौन? हाय क्रिस्टीना मल्होत्रा जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, क्या हुआ क्रिस्टीन बोलो। अरे वो डार्लिंग वो क्या है ना, मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत थी। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी की है? और मैंने तुम्हें पैसे पहुंचाता रहा हूँ। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, हर तमन्ना पूरी की है। तुमने जो मांगा मैंने दिया। गाड़ी बंगला तक मैंने तुम्हें दे दिया। बस के बाद फोन मत करना और एक पैसा भी मैं नहीं दूंगा। ओह तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? नहीं। अच्छा वो है ना डार्लिंग, याद है ना हमने वो क्या किया था, सेल्फी बनाई थी मैंने तुम्हारी और मेरी। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वो तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी और पूरा नेट पे डाल दूंगी। और वो है ना तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा चिंटू, मैं उसे भी दिखा दूंगी। उसके बाद तुम्हारे पास ना सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। दो टके की छोकरी, मुझे ब्लैकमेल करेगी तू है? मल्होत्रा नाम है मेरा, समझे? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बकवास बंद करो, कत्ल कर दूंगा मैं तेरा। चल फोन रख, रख। पैसा नहीं देना है ना? ओह तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आके देख लूंगी। मैं तो पैसा लेने उसके घर गई थी, पहले से उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं डर के वहाँ से चली गई। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम, दैट्स ऑल। मैडम मैं पेशे से बार गर्ल हूँ, मेरी उनसे दोस्ती 10 साल से थी और वो मेरी हेल्प करते थे। लेकिन मैम एक दिन मुझे लाइसेंस के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने मल्होत्रा जी को फोन किया। अब इसको क्या चाहिए? हेलो मल्होत्रा साहब। ए, काम की बात कर, काहे को फोन किया? अरे मल्होत्रा साहब मुझे 5 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए, लाइसेंस के पैसे देने हैं। 5 लाख? 5 लाख क्या गाजर मूली समझ के रखा है तुम्हें? 5 लाख रुपए दे दो। अरे आई किस बात के चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों दूं मैं तुझे? आपको याद है ना कि मैंने आपकी इज्जत बचाई थी। हाँ हाँ आपको कैसे याद होगा,
आपका बेटा बार में आया था, चिंटू, जानते हैं ना चिंटू को? उस वक्त ना शन्नो ही खड़ी थी आपके साथ। मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं अपनी बार वाली जात दिखा दूंगी। और सुनो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और नहीं दिए ना तो फिर सोच लेना कि मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ। समझ में आया ना? और सुनो, हाँ, अगर मैं आपकी इज्जत बचा सकती हूँ ना तो उछालने के लिए मुझे बस कुछ सेकंड चाहिए, कुछ सेकंड मल्होत्रा जी। जितनी रातें आपने मेरे साथ बिताई है ना, उतने ही सारे मेरे पास वीडियो हैं। हाँ, सीधा नेट पे डालूंगी। तो फिर 10 नहीं 50 लाख देने आएंगे आप? इसलिए कहती हूँ। अभी भी मेरी बात मान लो जाने मत। रख, दूसरा फोन आ रहा मेरा, बाद में बात करता हूँ। अरे रख साला हलकट, तू बच के कहाँ जाएगा मल्होत्रा? तेरे जैसे 50 बंदरों को नचाया है मैंने। और सुन, शन्नो नाम है आप उनका क्या? और उन्होंने पैसे के लिए मना कर दिया, फिर भी मैं उनके घर चली गई। और जब मैं गई तो मैंने देखा उनकी लाश वहां पड़ी थी मैम। मैं डर गई, और डर के मैं तुरंत वहां से भाग गई। इसलिए मुझे और कुछ नहीं पता मैम। मैम, आई स्वेयर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर मल्होत्रा इंसान के नाम पे कलंक थे। उन्होंने आज से 10 साल पहले मेरी माँ का मर्डर किया था। हेलो मल्होत्रा। हाँ हाँ, मल्होत्रा बोल रहा हूँ। पहचाना? नहीं, कौन बोल रहे हो? कामिनी बोल रही हूँ। कौन कामिनी? शायद तुम्हें याद नहीं है, आज से 10 साल पहले तुमने एक बेसहारा औरत को गला घोट के मार दिया था। तुम्हें कैसे पता? मैं उसी बेसहारा औरत की बेटी बोल रही हूँ। तो तुम उसकी बेटी हो? हाँ, तभी से मेरे दिल में आग जल रही थी मल्होत्रा। जिस तरह एक बेटी को उसकी माँ का प्यार नहीं मिला, उसी तरह तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुम भी अपने बेटे के प्यार के लिए दिन रात तड़पोगे, लेकिन तुम्हें उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ? तुम्हारा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, और आज मेरे कहने पर वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अब तुम्हें पता चलेगा कि बेटे का प्यार ना मिलना कैसा लगता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। और यहाँ पर मेरा बदला पूरा होता है। और उसी का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो उनका कत्ल पहले ही हो चुका था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है, सीरियसली आई डोंट नो एनीथिंग। आप लोगों की बातों में सच्चाई नजर आती है, पर कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। ओके। और जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है तब तक आप लोगों से पूछताछ चलती रहेगी। ओके ओके मैम। चलो गीता में लिखा है जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? बचपन से ही माँ बाप मर गए, जब गलत चक्रों में फंस गया, माँ बाप का साया सर पर से उठ गया, मेरा कोई नहीं था मेरी देखभाल करने वाला, बुरी सोसाइटी में पड़ गया मैं, और आज कहां से कहां पहुंच गया मेरा गुनाह मुझे पता ही नहीं चला। देखते देखते मैं अय्याशी भी करने लगा, और वो अय्याशी इतनी बढ़ गई कि आज उसने मुझे कहां पहुंचा दिया, आज मुझे भिखारी बना दिया,
मुझे सड़क पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है आज। भगवान मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। कोई नहीं है मेरा आज, कोई नहीं है मेरा, अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेला। कोई नहीं है मेरा। पापा, पापा, हेलो पुलिस, हेलो पुलिस, आप जल्दी से आइए। हाँ मल्होत्रा हाउस, हाँ जल्दी से आइए। पापा, पापा। चिंटू, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। यू आर अ वेरी गुड पर्सन। तुम्हारे आगे तुम्हारा पूरा फ्यूचर है, और ये उम्र तुम्हारी प्यार व्यार की नहीं है। तुम्हारे पढ़ने के दिन है, आगे पढ़ने के दिन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मैंने तुमसे प्यार किया ही नहीं है। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है ये बताते हुए कि मैं यहां पर अपनी मां का बदला लेने के लिए आई थी। प्लीज मुझे माफ कर देना, और हो सके तो मुझे बुलाकर कोई अच्छी सी लड़की देखकर जो तुम्हारी उम्र की हो उसके साथ प्यार करना, शादी करना, जो भी करना, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करना। करियर पर ध्यान देना, और तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। आई होप तुम समझ रहे हो मुझे। कहना आसान होता है लेकिन करना नहीं। जानती हूँ मैं। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या, मैंने तो किया ना। चाहे यहाँ पर तुम अपनी माँ का बदला लेने आई हो या किसी और का, मैंने तो तुमसे प्यार किया ना। तुमने कहा कि भूल जाओ, क्या भूलना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, पर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ। प्लीज बुरा मत मानना चिंटू, समझो मेरी बात को। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम समझदार हो ना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना और खूब नाम कमाना। ऑल द बेस्ट। अंकित, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे प्यार को हमेशा गलत समझा, तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। होप तुम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह दे दोगे। कामिनी, मुझे अपने प्यार पे भरोसा था, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चे मन से प्यार किया था। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और हमेशा करता था और करता रहूंगा। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। I love you, अंकित। मुझे पता था। Love you. I love you too, Kamini. I love you. I love you, Kamini. I love you. लो चिंटू, दूध पी लो। मुझे पता है कि तू मुझसे नाराज है, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है, पर बेटा तुम नहीं जानते उन गलतियों के पीछे बहुत सारे कारण थे। मैं चाहती हूँ कि अब तुम वो सब भूलकर
अपनी नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, आखिर तुम्हारी माँ ही हूँ ना। प्लीज बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। गलतियां तो मुझसे भी हुई है माँ, मैं भी पढ़ाई छोड़ के पता नहीं कैसी कैसी जगहों पर भटकने लगा था, कैसी कैसी बातें करने लगा था, किन किन लोगों से मिलने लगा था। मुझे अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगाना चाहिए था, मैं अपने रास्ते से भटक गया था माँ। लेकिन आप सही कह रहे हो, हमें अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए नए सिरे से। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकतों पर। I'm sorry माँ, हम अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। हाँ। और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? जी माँ। अच्छा दूध पी लो, ठीक है? जी। पढ़ो तो। अरे हाँ चिंटू, तुम्हारे लिए एक नए टीचर की बात की है, वो शाम को आएगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है? Ha ha ha.